मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से रैखिक अवकल समीकरण का प्रथम रूप dy by dx plus py equal to q प्रकार के समीकरण को हल करेंगे, जो प्रत्येक वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम रैखिक समीकरण हमारा जो प्रथम रूप में dy by dx plus py equal to q के रूप का होता है, dy by dx plus py equal to q के रूप में। सबसे पहले इसमें हम समाकलन गुणक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर if का मान निकालते हैं। if का मान निकालने की प्रक्रिया है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ पर p का मान रख करके हम समाकलन गुणक का मान निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जब यह मान प्राप्त होता है तो इसके व्यापक हल या अभीष्ट हल की प्रक्रिया होती है y into if equal to integration q into if into dx plus constant c। तो इसमें रख करके इसको सरल कर लेते हैं तो इस प्रकार से रैखिक अवकल समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है। तो ये रैखिक अवकल समीकरण हल करने का की विधि है, और इस विधि से हम प्रथम प्रकार की रैखिक अवकल समीकरण को हल कर लेते हैं। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न दिया है क्या अवकल समीकरण dy upon dx plus y cot x equal to 2x plus x square cot x, जहां x does not equal to 0 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। y equal to 0 यदि x equal to pi by 2 दिया है, तो ऐसी कंडीशन में इस रैखिक अवकल समीकरण का हमको विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिए हुए रैखिक अवकल समीकरण को लिखते हैं। तो समीकरण दिया है dy by dx plus y cot x equal to 2x plus x square cot x। इस समीकरण की हम मानक रैखिक अवकल समीकरण dy upon dx plus py equal to q से तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने पर देख रहे हैं p का मान cot x और q का मान 2x plus x square cot x प्राप्त होता है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर हम जानेंगे p और q किस प्रकार के मान हो सकते हैं। तो p और q या तो अचर होंगे या तो फिर ये x के फलन होंगे। प्रथम प्रकार की रैखिक अवकल समीकरण dy upon dx equal to py plus q के रूप में जो रैखिक अवकल समीकरण बनेगा, उसमें p और q या तो अचर होंगे या तो फिर ये x के फलन होंगे। तो मानक समीकरण से तुलना करने पर p का मान cot x और q का मान 2x plus x square cot x के बराबर प्राप्त होता है। सबसे पहले हम if निकालेंगे, समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो if का फार्मूला है if equal to e की पावर इंटीग्रेशन p dx। मान रख देते हैं e की पावर, तो इसमें अगर देखेंगे e की पावर इंटीग्रेशन p का मान हमारा cot x है, cot x dx, और cot x का समाकलन हम जानते हैं log sin x होता है, e की पावर log sin x, और हम सूत्र जानते हैं e की पावर log x equal to x। तो e की पावर log sin x equal to sin x के बराबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इंटीग्रेटिंग फैक्टर if का मान sin x प्राप्त होता है। अब इसके बाद हमारा व्यापक हल का इसका फार्मूला है, व्यापक हल या अभीष्ट हल कहें। तो व्यापक हल y into if equal to integration q into if, और इस पूरे का समाकलन होगा dx plus constant c। अब यहां पर मान रख देते हैं if और q के। तो y into
आईएफ आईएफ का मान देख रहे हैं, मिला है साइन एक्स, तो वाई इंटू साइन एक्स इक्वल टू क्यू, क्यू का मान देख रहे हैं टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स इंटू, फिर देख रहे हैं आईएफ, आईएफ हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स डी एक्स प्लस कांस्टेंट सी। इसके बाद अब इसको हम सरल करेंगे तो y इंटू साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे और दोनों फलनों को हम अलग अलग लिख दें तो टू एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू काट एक्स को लिख सकते हैं कास एक्स बटे साइन एक्स, ये हमारा फार्मूला है काट एक्स का मान, काश एक्स अपान साइन एक्स, और ये साइन एक्स का गुणा हो ही रहा है तो साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसको सरल करेंगे साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो टू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस, इसके बाद देखिए जो हमारा ये समाकलन बना हुआ है, यदि इस समाकलन में हमारा है एक्स स्क्वायर कास एक्स डी एक्स, यदि इसमें हम प्रथम फलन इंटू दूसरे फलन के फार्मूले का प्रयोग करें तो एक्स स्क्वायर कास एक्स, ये हमारे दो फलन हैं जिसमें एक्स स्क्वायर यानी एक्स की घात एन के रूप में है, इसको हम पहला फलन मान लें और कास एक्स को दूसरा फलन। इसके लिए सूत्र होता है पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकल गुणांक इंटू दूसरे का समाकलन, और फिर ये पूरे का समाकलन हो जाता है प्लस कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से पहला फलन यानी एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का समाकलन कास एक्स का समाकलन जानते हैं साइन एक्स होता है माइनस पहले का अवकल गुणांक एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक टू एक्स इंटू दूसरे का समाकलन कास एक्स का समाकलन साइन एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो इस तरह से देख रहे हैं टू एक्स साइन एक्स डी एक्स हमारा प्लस माइनस में है तो टू एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये मिलता है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। अब यदि हम साइन एक्स का पूरे फलन में भाग दे दें तो यही हमारा बन जाएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी अपान साइन एक्स। अब जो हमारे मान दिए हैं कह रहा वाई इक्वल टू जीरो, यदि एक्स इक्वल टू पाई बाई टू इस मान को रख देंगे तो हमारा सी का मान निकल आएगा। तो इस प्रकार से इस मान को रखते हैं वाई के स्थान पर जीरो, वाई इक्वल टू जीरो तथा एक्स इक्वल टू पाई बाई टू रखने पर, इन मान को जब रखेंगे तो वाई के स्थान पर जीरो इक्वल टू एक्स के स्थान पर हमको पाई बाई टू रखना है, पाई बाई टू स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे प्लस सी। तो इस प्रकार से सी का मान माइनस पाई स्क्वायर अपान फोर प्राप्त हो जाता है, और इस सी के मान को यदि हम अवकल समीकरण में रख दें, अवकल समीकरण हमारा है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी अपान साइन एक्स, इसमें सी की जगह हम माइनस पाई स्क्वायर अपान फोर रख देंगे तो यही समीकरण हमारा बन जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी अपान साइन एक्स, था c की जगह मिला माइनस पाई स्क्वायर अपान फोर अपान साइन एक्स। इस प्रकार से y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस माइनस हुआ पाई स्क्वायर अपान फोर साइन एक्स। यही दिए हुए प्रश्न का विशिष्ट हल है, यही दिए हुए प्रश्न का विशिष्ट हल है। तो इस प्रकार से प्रश्न पांच अंक का आता है, क्योंकि यूपी बोर्ड 2023 में आ चुका है और इस प्रकार के प्रश्न लगभग हर वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य करें, और यदि चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स।
ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।